आज क्लास 9 की एक्सरसाइज 13D का 12वां सवाल। उस शंकु की तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसके आधार की त्रिज्या 7 और ऊंचाई 24 है। तो शंकु की तिरछी ऊंचाई ज्ञात करनी है, आधार की त्रिज्या दे रखी है। शंकु के आधार की त्रिज्या बराबर 7 सेमी और ऊंचाई बराबर 24 सेमी है। त्रिज्या और ऊंचाई दे रखी है और तिरछी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तिरछी ऊंचाई ऊंचाई ज्ञात करनी है तो एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच बराबर 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो 24 का वर्ग 576, 7 का वर्ग 49, टोटल हो गया 625 बराबर 25 सेंटीमीटर। यहाँ पर तिरछी ऊंचाई आ गई 25 सेंटीमीटर। इसके बाद सवाल नंबर 13। एक लंबवती शंकु के आधार का व्यास 3.5 सेमी, ऊंचाई 6 सेमी है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। तो शंकु के आधार का व्यास, शंकु के आधार का व्यास बराबर 3.5 सेमी, तो त्रिज्या हो जाएगी 3.5/2, 0.5 बढ़ा लो, 5×7=35, 5×4=20 बराबर 7/4 सेंटीमीटर, ठीक है। और उस शंकु की ऊंचाई दे रखी है 6 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। तो शंकु की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 7/4 सेंटीमीटर है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है और संपूर्ण पृष्ठ में आर और एल की आवश्यकता है। तो पहले तिरछी ऊंचाई ज्ञात कर लो। एल बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 7/4 का स्क्वायर, 6×36 7×49=4। इसका एलसीएम आ जाएगा 4 36 4×24=12 2×14=44+49 तो बराबर हो जाएगा 1 49, इसमें जोड़ेंगे ये हो जाएगा 13×3 8 और 1 9 193/4। फिर से एक बार देख लो, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49/4, 4 का वर्ग 4×16 हो जाएगा, 4×16 एलसीएम भी 16 आ जाएगा, एलसीएम 16 6×96, 16×48 48 और 9 57 576/49 टोटल हो गया 625/16 बराबर आ जाएगा 25/4 सेंटीमीटर हमारा तिरछी ऊंचाई आ गई। अब इसके बाद हमें शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बराबर पाई आर एल प्लस आर, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ लगा लेंगे तो पाई की जगह हो जाएगा 22/7, त्रिज्या हो जाएगी 7/4, 25/4 + 7/4, 7 से 7 काट दो 2×4=11, 11/2 × इसका एलसीएम आ जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 25+7, तो 11/2 × 32/4, 4×32, 2×8 11×44 सेमी स्क्वायर। ये हमारा संपूर्ण प्रश्न आता है।
अगला सवाल है चौदवा। चौदहवें सवाल में कह रहा है यदि किसी लंबवती शंकु का आयतन जो है वो 46-20 घन सेमी है, आधार की त्रिज्या 21 सेमी है, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यदि किसी शंकु का आयतन दे रखा है, आधार की त्रिज्या दे रखी है और उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो शंकु का आयतन दिया है तो आयतन लगा देंगे। शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु का जो आयतन है वो है 46-20, आयतन 46-20 है, आधार की त्रिज्या 21 है, आयतन 46-20, 1/3 22/7 21 इंटू एच, एच निकालना है तो 7 × 21 से 21 काट दो, तो एच बराबर 46-20 बटे 22 × 21, 22 × 44 22 × 22 21 × 210 एच बराबर आ गया 10 सेमी मीटर। इसके बाद सवाल नंबर 15, यदि किसी लंबवती शंकु की तिरछी ऊंचाई 5 सेमी है, उसकी त्रिज्या 3 सेमी है, तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एल बराबर 5, आर बराबर 3 सेंटीमीटर, एच निकालना है तो एच बराबर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, जो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5×25 = 9, 16 बराबर 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर हमारी सीधी ऊंचाई आ गई। इसके बाद सवाल नंबर 16, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में कर्ण 4 सेमी लंबा है, त्रिभुज के कर्ण को अक्ष मान करके उसके परतः घुमाया जाए तो निर्मित आकृति का वक्रपृष्ठ और आयतन ज्ञात कीजिए। एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, समकोण है, समद्विबाहु त्रिभुज है और कर्ण 4 सेंटीमीटर लंबा है, कर्ण है 4 सेंटीमीटर लंबा, 90 का कोण है, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज। कर्ण को अक्ष मान करके, जैसे वहां पर आपने 7वां और 8वां सवाल लगाया था उसमें 12 और 5 सेमी को अक्ष मान करके घुमाया गया था, इसमें एक ही भुजा को अक्ष मान करके घुमाया जाएगा तो ये आकृति आपके नीचे की तरफ आ जाएगी, तो ये भुजा बराबर किस भुजा की, ये भुजा बराबर किस भुजा की, तो चारों भुजाएं बराबर है और प्रत्येक कोण आपका 90 अंश का है, तो आकृति जो बनेगी वो किसकी आकृति बन जाएगी, बर की आकृति बन जाएगी। तो यहाँ पर त्रिभुज ABC में कर्ण के परतः है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज ABC में कर्ण के परतः है घुमाने पर आकृति ABCD एक वर्ग की आकृति है, एक वर्ग की जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश का है, वर्ग की आकृति है और वर्ग में विकर्ण बराबर होते हैं, यानी AC बराबर किसके है, BC के है, CD के, AB बराबर DC के, ये भुजा बराबर इस भुजा की हो जाएगी और यहाँ पर एक शंकु बनाएंगे, ठीक है, तो ये शंकु हो जाएगा, इस शंकु में ये भुजा 4 है तो ये वाली भुजा 4 हो जाएगी, दोनों बराबर है, तो यहां पर बराबर कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, तो AB बराबर 4 सेंटीमीटर है तो AO बराबर हो जाएगी 4/2 बराबर 2 सेंटीमीटर, ये हमारी त्रिज्या आ गई, ठीक है। अब इसके बाद ऊंचाई, OC बराबर CD / 2 या
शंकु की जो ऊंचाई है वो भी 2 सेंटीमीटर है, शंकु के आधार की त्रिज्या भी 2 सेंटीमीटर है और शंकु का हमें कर्ण निकालना है। तो त्रिभुज एओसी में एसी बराबर अंडर रूट एओ स्क्वायर माइनस ओसी स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 4 प्लस 4 8 हो जाएगा बराबर 2 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। जी हमारी तिरछी ऊंचाई आ गई एल बराबर, तिरछी ऊंचाई एल बराबर 2 अंडर रूट 2 है, आधार की त्रिज्या 2 है, ऊंचाई भी 2 सेंटीमीटर है। तो इस निर्मित आकृति का क्या पूछ रहा है, इस निर्मित आकृति का वक्रपृष्ठ और आयतन ज्ञात कीजिए। निर्मित आकृति का वक्रपृष्ठ बराबर 2πr है, क्योंकि एक शंकु का वक्रपृष्ठ πr है, दूसरा भी समान शंकु है उसका भी πr हो जाएगा, πr हो जाएगा 2πr। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 × π × 2 × L 2 √2 2 × 4 × 8 8 √2π² सेंटीमीटर, ये हमारा वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल है। फिर इसके बाद कह रहा है कि निर्मित आकृति का आयतन 1/3 πr² है, 1/3 πr की जगह पे 2 का होल स्क्वायर × 2 2 × 4 × 8 8/3 πr³ सेंटीमीटर, इस निर्मित आकृति का आयतन आ गया। लेकिन यहाँ पर निर्मित आकृति में एक शंकु का आयतन है, यहाँ पर दोनों शंकु का आयतन निकालना है, तो दोनों का 2 का गुणा कर देंगे 2, यहाँ पर हो जाएगा 8 × 16 16/3 πr³। ये पूरी निर्मित आकृति का आयतन आ गया, क्योंकि इसका जो आयतन केवल इतना होता है, ऊपर वाले शंकु का आयतन 1/3 πr² है, नीचे वाले का भी 1/3 πr² है, तो ये हो जाएगा 2 1/3 πr² एच हो जाएगा, 16/3 πr³ सेंटीमीटर इस निर्मित आकृति का आयतन आ जाएगा। अगला सवाल है 17वां, एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेमी, तिरछी ऊंचाई 10 सेमी है, इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो शंकु के आधार का व्यास, शंकु के आधार का व्यास बराबर है 10.5 सेमी, तो त्रिज्या हो जाएगी 10.5/2 सेंटीमीटर, 0.5 से काट लो 21 बार, 5 से काटा 4 बार, तो r बराबर हो जाएगा 21/4 सेंटीमीटर और तिरछी ऊंचाई l बराबर कह रहा है 10 सेंटीमीटर है, तिरछी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 21/4 है। तो कह रहा है इस शंकु का वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए, तो शंकु का वक्रपृष्ठ बराबर, शंकु का वक्रपृष्ठ बराबर पाई आर है, तो पाई की जगह पे 22/7, आर के स्थान पर 21/4, एल की जगह पे 10, 7 × 7 = 21, 2 × 4 = 11, 2×5 = 10, 11×5 = 55 और 55 में 3 का गुणा करना है, तो 3×15 = 16, इतने सेमी स्क्वायर इस शंकु का वक्रपृष्ठ आता है। तो इसके बाद सवाल नंबर आपका 18वां है, एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई में 3:4 का अनुपात है, यदि इसका आयतन 301.44 सेमी की हुआ है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तिरछी ऊंचाई भी ज्ञात कीजिए। शंकु का आयतन दिया है, त्रिज्या और ऊंचाई में अनुपात दे रखा है, तो माना शंकु की त्रिज्या 3x
सेंटीमीटर और ऊंचाई बराबर 3/4 है, 4x सेंटीमीटर। तो मान लिया कि शंकु की त्रिज्या बराबर 3x सेमी और ऊंचाई बराबर 4x सेमी, 3/4 हो गया। आयतन दिया है तो शंकु का आयतन बराबर, शंकु का आयतन बराबर 1/3 πr² x और आयतन है 301.44। 1/3 π का मान दिया गया है, पाई का मान कह रहा है कितना रखना है 3.14, इसकी जगह पे 3.14 इंटू 3x का होल स्क्वायर इंटू 4x, त्रिया गुणा कर लो या फिर ऐसा कर लो 301.44 1/3 3.14 इंटू 3×9x² इंटू 4x, 3×3 3×9, 3×4 12 x³ इंटू 3.14 बराबर 301.44। तो x³ बराबर 301.44/12 इंटू 3.14, इसकी भी दशमलव हटाओ, इसकी भी दशमलव हटाओ, तो x³ बराबर 301.44/12 इंटू 314। 12 से काट दो, 12 × 24 बचे 6, 12 × 5 बचा 1, 12 × 1 = 12, 12 × 24 यहाँ पर 8 बार, 8 × 32 8 × 8 = 11 8 × 24 = 25 तो ये 8 बार कट जाएगा। तो x³ बराबर 8, तो x³ बराबर हो जाएगा 2 × 3 क्योंकि कैंसिल कर लो, x बराबर 2 सेंटीमीटर। तो x का मान 2 सेंटीमीटर है, तो शंकु के आधार की त्रिज्या, शंकु के आधार की त्रिज्या बराबर 3x का 3×2 = 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4x की 4×2 = 8 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या और ऊंचाई निकल आई। अब इसकी तिरछी ऊंचाई निकालेंगे तो l बराबर h² + r² ये हो जाएगा 6² + 8² 6×36 8×64 टोटल 100 = 10 सेंटीमीटर, तो तिरछी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर आ गई। सवाल नंबर 19 में एक लंबवती शंकु का वक्र 70 πsec² है, यदि उसके आधार का व्यास 14 सेमी है तो उसकी त्रिज्या को ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो शंकु के आधार का व्यास, शंकु के आधार का व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या बराबर 14/2 = 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और दिया क्या गया है, शंकु का वक्रपृष्ठ, तो शंकु का वक्रपृष्ठ बराबर πr(l), शंकु का वक्रपृष्ठ बराबर πr(l), यहाँ पर वक्रपृष्ठ की जगह लिख दें 70 πr, पाई आर की जगह 7×l, पाई से पाई काट लो, एल बराबर हो जाएगा 70/7, एल बराबर 10 सेंटीमीटर। ये शंकु की हमारी तिरछी ऊंचाई आ गई, इस तिरछी ऊंचाई को हमें ज्ञात करना था। इसके बाद अगला सवाल जो है वो 20वां है, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, त्रिज्या ऊंचाई 21 सेमी है, आधार का व्यास 24 मीटर है, 21 मीटर और 24 मीटर है, ऊंचाई दे रखी है, आधार का व्यास दे रखा है, व्यास को आधा कर देंगे तो त्रिज्या निकल आएगी, और ऊंचाई और त्रिज्या के द्वारा पहले हम तिरछी ऊंचाई निकाल लेंगे, फिर इसके बाद कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल माने शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला लगा देंगे। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बराबर
पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, तो पाई की जगह 22 बटे 7, आर माने जो हमने निकाली वो मान रख देना है, एल जो निकला है उसमें त्रिज्या को जोड़ करके हल कर देंगे तो यहाँ पर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। इस तरीके से आपको 20 नंबर तक सवाल लगाना है।